नमस्कार, मैं कंचन सिंह राजपूत केके न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गैंगवा नहीं जुए के रुपए के लेन देन पर हुई है हिस्ट्री शीटर बदमाश बबलू पंडा की हत्या। यह खुलासा किया है मंडला पुलिस ने। बबलू पंडा की हत्या के आरोप में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस वारदात में एक आरोपी को भी चोट आई है, जिसे कि जिला अस्पताल मंडला में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल बबलू पंडा के शव को पोस्टमार्टम बिजाडांडी में किया जा रहा है। बबलू पंडा जबलपुर का कुख्यात अपराधी था। उसने मार्च 2015 को अपनी दास्ता पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद मई 2015 में ही अपने एक साथी की हत्या कर सबको पान उमरिया के जंगल में फेंक दिया था। हाल ही में पंडा जमानत पर बाहर आया था। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। ये मंडला के जो बिजाडांडी थाना के अंतर्गत कल रात में ये घटना घटी है। फायर डाला गया तो सामने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम बबलू पंडा है, जबलपुर के निवासी हैं, थाना गुरा गांव, ये इनकी मृत्यु हो गई मतलब गनशॉट के वजह से। और पुलिस मौके में पहुँच करके जो भी जाँच पड़ताल है वो किया उन्होंने रात में, और इनकी बॉडी का पीएम जो है वो बिजाडांडी के लिए लाया गया और वहाँ अभी प्रारंभ है। ये बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से 25-30 राउंड फायर हुआ, क्या है मामला? अब ये तो आगे पीएम के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जो फायर है उसकी ऐसी कोई सूचना नहीं है जैसा बता रहे हैं लोग। घटनास्थल में स्वयं SP साहब और स्वयं मैं भी पहुँचा हुआ था पूरे फोर्स के साथ में, तो वहाँ इस टाइप के गैंगवार के संबंध में जो है चीज़ें दिखाई नहीं दी हैं, और आगे जांच जारी है। इन सब चीज़ों को भी लेकर के आगे केस आगे बढ़ाएंगे। इसमें सर विवाद की वजह क्या बताई जा रही थी? प्रारंभिक विवाद की वजह ये पुराना जबलपुर का निगरानी उदास है मृतक जो है, और इसको जिला बदर भी किया गया है। इसका शोहरत जुए में था, जुआ खिलाने में, तो पैसे के लेन देन को ही लेकर के ऐसा लगता है कि ये गोलीबारी हुई है। सर आरोपियों की अभी क्या स्थिति है, मतलब कुछ लोगों को रखा गया है, अभी पुलिस ने पकड़ करके रखा हुआ है। आगे जैसे केस आगे बढ़ता है तो उनको फिर गिरफ्तारी उनकी शो की जाएगी। पुलिस इसमें त्वरित कार्रवाई करके जगह में पहुंची और उन लोगों को राउंडअप वाली स्थिति भी की हुई है, इसको आगे इसका खुलासा करेगी तेजी से। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।